हेलो दोस्तों, मोहाली के एग्री प्रोग्रेस एक्सपो के अंदर आपका स्वागत है। मैं रविंदर सिंह आपके अपने चैनल ट्रैक्टर लाइव पे आपका स्वागत करता हूं और आपको दिखाने जा रहे हैं आज करतार का 12038 मॉडल, जो 120 एचपी का ज़बरदस्त ट्रैक्टर है। करतार कंपनी लगभग 1975 से मार्केट के अंदर है और कंबाइन बनाने में यह काफ़ी नाम कमा चुकी है और आज इसका नाम जानी मानी कंपनी के अंदर है। ये ट्रैक्टर भी बनाती है, लेकिन ट्रैक्टर सारा एशिया और यूरोप के देशों में एक्सपोर्ट करती है, लेकिन अब ये मार्च के अंदर इंडिया के अंदर अपने ट्रैक्टर लेके आ रही है और इंडिया में ये मार्च 2020 के अंदर शायद अपने ट्रैक्टर लॉन्च कर सकती है, जो काफ़ी पॉपुलर ट्रैक्टर रहे हैं विदेशों के अंदर। आप देख भी सकते हैं ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस। यह कंपनी हार्वेस्टर मेकर टॉप कंपनियों के अंदर इसका नाम आता है और अब ये इंडिया के अंदर अपने ट्रैक्टर भी लॉन्च कर रही है मार्च के अंदर, और ये 60 HP, 75 HP और 120 HP के ट्रैक्टर बनाती है। आइए अब इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। ये ट्रैक्टर आपका 4 सिलेंडर के अंदर 2200 रेटेड RPM के अंदर काम करता है और इसके अगर फ्रंट टायर की हम बात करें तो ये 14/9/24 का इसका फ्रंट टायर रहता है, जो ट्यूबलेस है, और इसका मेन टायर है 18/4/38 का रहता है और ये भी ट्यूबलेस ही रहता है। इसके दोनों टायर ट्यूबलेस ही रहते हैं और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी इन्होंने इसके अंदर दी हुई है। ट्रैक्टर 120 HP होने के कारण इसको अधिक वेट की ज़रूरत होती है, जिसको पूरा करने के लिए कंपनी ने इसके मेन टायर्स के ऊपर 4 प्लेटें लगाई हुई है। एक प्लेट का वेट लगभग 36 kg के इक्वल रहता है, जो टोटल वेट है वो 144 kg बनता है। जो अधिक वेट की जरूरत को ट्रैक्टर की अधिक वेट की जरूरत को पूरा करता है और ट्रैक्टर को रोटेशन में हेल्प करता है। ट्रैक्टिव पायदान जो इसकी दोनों साइड होते हैं आप देख सकते हैं। इंजन की ड्राइवर बनाए इसके लिए उन्होंने एक गार्ड के रूप में शीशा दिया हुआ है, जिस पर कंपनी का लोगो है। इसके अलावा आप हाइड्रोलिक पंप देख सकते हैं, जो काफ़ी बड़े हैं, जो ट्रैक्टर की जरूरत को पूरा करते हैं। इसके अलावा आप साइलेंसर पे जाली देख सकते हैं, जो काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है ट्रैक्टर को। सेफ्टी पर्पज को भी ये जाली पूरा करती है, ताकि ईंट वगैरह के टाइम किसी का हाथ ना लगे। इसके अलावा आप कंपनी का लोगो भी देख सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव है बहुत। इसके अलावा एक मेन स्विच इस पर लगा होता है, जो बैटरी की पावर को कट करता है और लंबे समय से ट्रैक्टर खड़ा होने के दौरान हमारी बैटरी लो ना, इसलिए। और इसमें खास बात देखने को मिलती है, इसके इंजन के साथ एक पत्ती अटैच की हुई है, जो फ्रंट से लेके बैक तक लगी होती है, जिसमें कई बार क्या होता है ट्रैक्टर का बीच से टूटने का खतरा है, जो वो कम हो जाता है। इसके अलावा आप फ्रंट में भी वेट देख सकते हैं, जो अच्छे और काफ़ी मजबूत वेट इन्होंने दिए हैं। 4x4 का लोगो है। इस साइड जो पत्ती है ये भी दोनों साइड से ही कवर करती है, जो आगे से पीछे तक ट्रैक्टर को पूरा जोड़ती है, ताकि बीच से कई बार खींचने से ट्रैक्टर टूट जाता है, इस तरह का खतरा न रहे, काफ़ी सेफ्टी पर्पज के लिए। इसके अलावा यहाँ पे भी इंजन की हीट को रोकने के लिए भी एक पत्ती दी गई है, जो पूरा कवर करती है हमारे पायदान को, ताकि इंजन की हीट है वो ना आए। इसके अलावा डीजल टैंक देख सकते हैं आप, इसका दिया है नीचे की साइड में। इसके अलावा ट्रैक्टर में काफ़ी सारी विशेषताएं दी हैं, जैसे LED इंडिकेटर दिए हुए हैं, रूफ इन्होंने दी हुई है इस पे, जो हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा विदेशों की जरूरत के अनुसार इसका बैक पैनल दिया गया है, जो विदेशों के इम्प्लीमेंट्स है उनको जोड़ने के लिए
उनकी जरूरत के अनुसार ही इसका बैक पैनल दिया गया है। और जो हमारी लिफ्ट वगैरह हैं उनकी एडजस्टमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छी सेटिंग्स हैं वो इन्होंने दी हुई है। कनोपी हमारी होती है उसकी तरह ही एडजस्ट करने के लिए, ताकि जो इम्प्लीमेंट जोड़ा जाता है वो सही ढंग से काम कर सके। इसके अलावा आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पॉइंट इन्होंने इस पीछे दिए हुए हैं, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट यूज के लिए इनका यूज होता है। पावर एरो इत्यादि को जोड़ने के लिए 6 पॉइंट इन्होंने दिए हुए हैं। जो इसका बैक पैनल में जो लिफ्ट का पंप है वो इन्होंने दोनों साइड में ही दिए हुए हैं। और इसकी लिफ्ट कैपेसिटी लगभग 4500 केजी रहती है, जो इलेक्ट्रॉनिक भी काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक ही काम करती है। और काफ़ी बढ़िया सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ है। अगर हम इसके पीटीओ की बात करें तो ये 540 आरपीएम पे काम करता है, जो ई पीटीओ का भी ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएगा किसान भाइयों को, और रिवर्स पीटीओ का भी ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएगा। जो बड़े ट्रैक्टर 50 एचपी से अब आते हैं वो सारी खूबियां लगभग इस ट्रैक्टर के अंदर किसान भाइयों को मिल जाएंगी, जो हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। अब बात करते हैं इसके गियर बॉक्स के बारे में। जो ये ट्रैक्टर आता है ये 24+24 में आता है। इसमें हमारा ABC रहेगा और लो हाई हमारा इसके अंदर रहेगा। इसके अलावा शटल गियर भी हम इसके अंदर देख सकते हैं। तो ये टोटल 48 गियर पे काम करता है। इसके अलावा जो हमारी हाइड्रोलिक के लिए हैं पॉइंट हैं उनके लिए अलग से 3 पॉइंट इन्होंने दे रखे हैं। और लिफ्ट को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दी हुई है, जो लिफ्ट को कंट्रोल करती है। इसमें काफ़ी सारी विशेषताएं हैं जो काफ़ी अच्छे तरीके से दी हुई हैं, ताकि किसान को किसी तरह की कोई भी इम्प्लीमेंट चलाने में दिक्कत ना हो। काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर, बहुत ही अच्छा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।